हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड हैप्पी। तो लास्ट ईयर से जैसे हम कोविड से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने वेट गेन को भी लेके परेशान हैं। तो आज मैं आपको फोर मेन फैक्टर्स बताऊंगी वेट गेनिंग के। अगर आप इस पे काम कर लेते हैं तो आई बेट यू कि आपका वेट जरूर कम होगा। तो वीडियो जो है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, अच्छी लगेगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे बॉडी वेट में 70% हमारे डाइट का हाथ होता है और 25% एक्सरसाइज का होता है। तो मेन पार्ट डाइट है तो हम उसी पे फोकस करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम बहुत कम खाते हैं फिर भी हमारा वेट गेन हो जाता है। तो इसमें फूड की क्वांटिटी इतना मैटर नहीं करती है जितना कि फूड की क्वालिटी। तो किस टाइप का आप खाना लेते हैं वो आपके वेट गेन में ज्यादा इम्पोर्टेंट। फर्स्ट इज एक्सेसिव इनटेकिंग ऑफ एसिडिक फूड। हर फूड का एक पीएच लेवल होता है। अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, एनिमल प्रोटीन, पैक्ड फूड, इस तरह के फूड लेते हैं तो इससे भी हमारा वेट गेन होता है। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो एल्कलाइन फूड में काउंट होता है। तो कोशिश कीजिए आपके डाइट में एल्कलाइन फूड ज्यादा हो ना कि एसिडिक फूड। सेकेंड इज एक्सेसिव ईटिंग सॉल्ट। वैसे तो हम जनरली डेली रूटीन में इतना ज्यादा सॉल्ट नहीं लेते हैं, बट जैसे ही हम कुछ बाहर का खाते हैं, प्रोसेस्ड खाते हैं या जंक खाते हैं तो हमारे जो सॉल्ट का लेवल है वो डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि ऐसे फूड में बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्ट यूज किया जाता है। हमारी किडनी जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसमें से सोडियम को फिल्टर करके बाहर निकाल देती है बॉडी से। बट अगर आप हार्ट के पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है तो किडनी इतनी एफिशिएंटली सोडियम को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती है। इससे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सोडियम स्टोर होता है। एक्स्ट्रा सोडियम स्टोर मतलब एक्स्ट्रा सॉल्ट स्टोर होता है। एक्स्ट्रा सॉल्ट स्टोर होना मतलब एक्स्ट्रा वाटर स्टोर होना, जिससे कि हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है और हमारा वेट गेन होता है। थर्ड इज ईटिंग मोस्टली डेड फूड। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में डेड फूड लेते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा मात्रा में जंक फूड लेते हैं, पैकेज्ड फूड लेते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं वो चाहे उसमें कितना भी लिखा हो कि ये हेल्दी है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो भी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में वो लिख दिया जाता है, बट कहीं ना कहीं उसको प्रोसेस करके बनाया गया होता है। आप सबसे पहले ये समझिए कि उसमें से सारे एंजाइम्स बाहर कर दिए जाते हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो वो आप एक साल या 6 महीने या 9 महीने तक स्टोर करके नहीं रख सकते। तो वो खाना खाइए जो एक दिन में खराब हो जाए या कुछ घंटों में खराब हो जाए, मींस जिसके अंदर एंजाइम्स हो। तो सीरियसली अगर अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा लिविंग फूड को एंट्री दीजिए जिसके अंदर एंजाइम्स हो, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, इस तरह के फूड। और अगर आप इस टॉपिक के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने इस पे एक डेडिकेटेडली वीडियो बना रखा है, लिविंग फूड एंड डेड फूड। आप मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, प्लीज चेक कर सकते हैं। फोर्थ फैक्टर इज स्ट्रेस। आज के टाइम पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया है, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रेस कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग होता है। स्ट्रेस शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, हमारी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है जो कि हमारे थायराइड फंक्शन को सप्रेस कर देता है, ब्लड शुगर इम्बैलेंस कर देता है, इम्यूनिटी हमारी लो कर देता है, ब्लड प्रेशर हाई कर देता है और बहुत तरह के बॉडी में डैमेजेस शुरू कर देता है। तो बेसिकली कार्टिसोल हार्मोन जो है वो बॉडी के मिड सेक्शन में ज्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब बॉडी के मिड सेक्शन में हमारा वेट गेन ज्यादा करता है। तो किसी भी तरह का स्ट्रेस प्लीज ट्राई कीजिए, मत लीजिए। स्ट्रेस होता है तो मेडिटेशन कीजिए, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं स्ट्रेस से दूर रहने के वो चेक कीजिए, बट स्ट्रेस मत लीजिए। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर यस तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलने के लिए प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। कोई भी फीडबैक हो, क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।